मुरादाबाद स्थित हिंदू कॉलेज में एनसीसी भर्ती परीक्षा आयोजित कराई गई। परीक्षा में मुरादाबाद महानगर के कई विद्यालयों की छात्राओं ने हिस्सा लिया। मंगलवार को हिंदू कॉलेज में एनसीसी भर्ती परीक्षा आयोजित हुई, जिसमें 100 से अधिक छात्राओं ने परीक्षा में हिस्सा लिया। परीक्षाओं को नकलविहीन संपन्न कराने के साथ साथ शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न करने के लिए एनसीसी विभाग द्वारा सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई थी। कैप्टन डॉक्टर मीनू मेहरोत्रा का कहना था कि देखा जा रहा है कि छात्राएं अब एनसीसी अपनी रुचि दिखा रही हैं और सभी ये चाहते हैं कि हम एनसीसी में ट्रेनिंग करें, मगर विभाग द्वारा हर वर्ष निर्धारित छात्राओं को ही लिया जाता है। इस बार 33 छात्राओं को परीक्षा के साथ अनेक गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को ही लेना होता है। आज हम हिंदू कॉलेज में अपने SWK फर्स्ट ईयर का एनरोलमेंट कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे पास टोटल 95 बच्चे यहाँ पर प्रेजेंट हैं और अभी हम इनका रिटर्न कर रहे हैं। इसके बाद हम इनका फिजिकल टेस्ट लेंगे और लास्ट में जो हमारा फाइनली जो इनकी वैकेंसी जितनी होगी उस हिसाब से हम यहाँ पर एनरोलमेंट आज कंप्लीट करेंगे। कितने बच्चों को सिलेक्ट करना है? हमने यहाँ पर टोटली आज 38 बच्चों को सिलेक्ट करना है और ये 95 में से जितने बच्चे 38 होंगे वो हम उतने बच्चों को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आगे कहाँ जाएंगे बच्चों को सिलेक्ट करेंगे? ये बच्चे इसके बाद सिलेक्शन होने के बाद इनका ये यहाँ पर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करेंगे और सी सर्टिफिकेट हासिल करेंगे और ये 9 बटालियन यूपी गर्ल्स बटालियन को डिलिंग करेंगे। आज लिखित परीक्षा के साथ अन्य गतिविधियां भी आयोजित होंगी। साथियों ने ये भी कहा कि छात्राएं अब किसी से कम नहीं है और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, जिसका नतीजा ये है कि अब एनसीसी में भी छात्राएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहती हैं। आज हिंदू कॉलेज में 9 UP गर्ल्स बटालियन की ओर से यहाँ NCC में नामांकन हेतु परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम लिखित परीक्षा लेंगे, इसके बाद इनकी शारीरिक परीक्षा होगी। और जिस तरह से हमारे पास वैकेंसी है उससे लगभग 4 गुना यहाँ अभ्यर्थी आए हुए हैं जो NCC के लिए विलिंग हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि NCC का वेटेज जो है वो सरकारी और गैर सरकारी दोनों संस्थानों में मिलता है। अग्निवीर से लेकर हमारे पुलिस में हर जगह इनको वेटेज मिलती है, तो उसी हेतु अब लड़कियों में भी NCC को लेकर अति उत्साह है और उसी के कारण आज यहाँ तिगुनी संख्या में NCC के लिए अभ्यर्थी उपस्थित हैं। क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे इनके, क्या ट्रेनिंग? इनकी NCC में जब इनका नामांकन हो जाता है तो अर्धसैनिक बल के रूप में ये NCC कैडेट्स होते हैं और इनको वो सारी ट्रेनिंग, वो सारे प्रशिक्षण दिए जाते हैं जो कि आर्मी में होते हैं, चाहे फायरिंग हो, चाहे मैप रीडिंग हो, अलग अलग तरह की प्रशिक्षण इनको दिए जाते हैं। और डिजास्टर से लेकर जब भी कोई और समस्या आती है तो हमारे NCC कैडेट्स सोशल वेलफेयर के लिए भी काम करते हैं, पर्यावरण के लिए काम करते हैं, तो उस तरह की सारे प्रशिक्षण देकर इन NCC कैडेट्स का राष्ट्र के उत्थान के लिए और राष्ट्र के लिए सदुपयोग किया जाता है। कि कैसी संख्या, मतलब क्या रुझान देखा जा रहा है महिलाओं में? महिलाओं में अब आजकल लड़कियों में, जैसे कि आप यहाँ देख ही रहे हैं कि जितना हमें नामांकन करना है उससे तिगुनी संख्या में यहाँ पर अभ्यर्थी मौजूद हैं, तो इससे ही पता चलता है कि अब लड़कियाँ भी अपने आप को किसी रूप में भी कम नहीं मानती हैं और वो सभी कार्य करना चाहती हैं जो कि लड़के करते हैं। आर्मी से लेकर हमारी आर्मी की तीनों विंग्स में अब लड़कियाँ जाती हैं, फुल टाइम कमीशन लड़कियों का है, तो इसीलिए अब लड़कियां लड़कों की तरह ही उतनी ही उत्साहित हैं सेना में।